रोहित शेट्टी की कोप यूनिवर्स को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि रोहित शेट्टी कोप यूनिवर्स में टाइगर श्रॉफ की एंट्री कराने जा रहे हैं और दोस्तों बहुत बड़ी खबर बाहर आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोहित शेट्टी की कोप यूनिवर्स में अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं और वहीं आपको बताते चले कि तीनों स्टार फिर से एक साथ सिंघम अगेन में आने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब रोहित शेट्टी टाइगर श्रॉफ को कोप यूनिवर्स में लाने की तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा रोहित शेट्टी की कोप यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं और वे एक वेब सीरीज में काम करने जा रहे हैं और इसी बीच आपको बताते चले कि विक्की कौशल की भी एंट्री कराने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अब टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री होने वाली है जो कि धमाकेदार तरीके से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कोप यूनिवर्स में हमें टाइगर श्रॉफ भी आते हुए दिखने वाले हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर ये मूवी बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक्शन से भरपूर होने वाली और रियल एक्शन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी की फिल्मों में तो भाई लोग धमाकेदार एक्शन होता है और दोस्तों अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह को तो कोप यूनिवर्स में देख चुके हैं और वहीं अब तीनों स्टार एक साथ नजर आने वाले, यानी विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। और दोस्तों अब अजय देवगन सर की आने वाली फिल्म सिंघम 3 जिसको हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ये मूवी कोप यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है और दोस्तों ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह इस मूवी में कैमियो करते हुए दिखने वाले हैं और एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर तीनों में स्टार देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो दोस्तों, आप कोप यूनिवर्स में किसको देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।